यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है, तो सामने जो पेट्रोल पंप है ना वहाँ पर फ्रेश कॉर्नर है, और वहाँ से कुछ सामान लेना था लाइक पार्सल अभी तक कम ना, तो वहाँ पर अभिषेक गए हुए हैं पार्सल लेने के लिए, और अभी तक ये खड़ा हुआ है बदमाशी करता हुआ, तो बस। और यहाँ विंड मिल्स हैं देख सकते हैं आप लोग, ब्यूटीफुल व्यू, सन इज आउट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम हंगरी से ना ऑस्ट्रिया के लिए निकल चुके थे, और यहाँ पर बीच में पेट्रोल पंप था, तो वहाँ से अभिषेक पेट्रोल भर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है जो पेट्रोल भर रहा है, मतलब आपको खुद ही से सब कुछ करना पड़ता है। वेदर काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल क्लीन स्काई था, और यहाँ पर देखिए पुलिस वाले खड़े हुए हैं, क्योंकि ये चेक पॉइंट है, लाइक ये बॉर्डर है हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच का, तो यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हुए थे बट कोई रोक नहीं रहा था। अब हम ऑस्ट्रिया पहुँच गए हैं, मतलब हमने बॉर्डर जस्ट अभी क्रॉस किया है, और हम ऑस्ट्रिया के अंदर एंटर कर गए। अभी तक कैसा लग रहा है तुमको? यू आर हैप्पी? या यू आर हैप्पी लिटिल बिट, लिटिल बिट और मोर? ना पहुंच गए हैं, और जस्ट अभिषेक अभी चेक करने गए हैं जहां हम स्टे करने वाले हैं उसको, एंड आफ्टर दैट फिर हम भी जाएंगे। और अभी तो यहां पर इसकी नींद लग गई थी तो सो गया था, अभी थोड़ा थोड़ा जग रहा है। और बाहर का लोकेशन दिखाती हूं मैं आपको। तो बस वियना पहुंचने के बाद हमने अपना लगेज रखा और थोड़ा फ्रेश हुए, फिर हमने सोचा कि शाम हो ही गई है, क्योंकि ये 4 बज गए हैं, 4 बजे अंधेरा हो ही जाता है, तो ये 4:45 का कुछ टाइम है, तो हमने सोचा कि चलो निकल के एक आध दो प्लेसेस कवर कर लेते हैं। तो बस क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है, इसलिए हमने कार पार्क कर दी थी एक जगह, और हम अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हर जगह घूमेंगे। तो बस मेट्रो में बैठने के बाद फिर हम यहाँ पर आ गए थे पैलेस, जिसका नाम है शॉनब्रन, और ये पैलेस एक्चुअली 5:30 बजे क्लोज़ हो जाता है, तो फिर हमें लगा कि हम अंदर जाके नहीं देखते हैं। बाहर पर भी क्रिसमस फेयर बहुत ही अच्छा लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि वही देख लेते हैं, क्योंकि पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए, लाइक पैलेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं, तो उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए, और हमारे पास इतना टाइम था नहीं। तो शाम के टाइम हमने सोचा कि आधे घंटे में हम क्या ही करेंगे, तो बाहर का ही एरिया एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर भी कुछ क्रिसमस का एडवेंट टाइप का लगा हुआ था, बहुत सारी स्टॉल्स थी, खाने पीने की चीज़ें थी, काफ़ी हैपनिंग एनवायरनमेंट था, आप देख ही सकते हैं ना, जैसे कि स्टॉल्स लगती हैं मेले में इंडिया में, वैसे यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होता है, त्योहारों में स्टॉल्स लगती हैं और कई सारी चीज़ें मिल रही होती हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल था, बहुत ही रौनक थी। और मैंने कई सारी चीज़ें देखी बट कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा था, लाइक हमने वो फ्रिज मैग्नेट्स ज़रूर लिए, वो यहाँ से नहीं लिए थे, वो दूसरी सोवेनियर शॉप से लिए थे हमने, बट यहाँ पर भी काफ़ी सारे मतलब स्टॉल्स लगे हुए थे, तो सामान काफ़ी सारा प्यारा प्यारा सा था। अब यहाँ पर सामान लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता, जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं वहाँ पर वैसे भी सारा कुछ डेकोरेटेड है, अगर खुद का घर हो तो आप डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ें ले भी सकते हैं। यहाँ पर हमने बेक्ड पोटैटो खाए, बहुत ही टेस्टी थे, तो हमने बस ट्राई के लिए एक ही लिया था कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा उसी से खा लेंगे, तो ठीक लगे, फिर दूसरा मैंने लिया नहीं, क्योंकि मतलब अच्छे लगे लेकिन ऐसा नहीं था कि अब मुझे अलग से लेके खाने का भी मन था, तो मैंने बस एक ही में टेस्ट किया, लेकिन ठीक था, मतलब टेस्ट अच्छा था, आई जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट इट, तो फिर मुझे सही लगा। और यहाँ पर एक ना एडवेंट कैलेंडर था, लाइक इसमें हम डेट देख रहे हो ना, 21 ये देखिए डेट है, तो हर एक डेट के लिए 12 टिल 25th, हर एक डेट के लिए दिसंबर का कैलेंडर था, लाइक फ्रॉम 1st टिल 25th ऑफ दिसंबर हर एक दिन का कैलेंडर था, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो जैसे 10 है ये, तो टिल 24th तक का था
कि कैसा कैसा है, सारी चीज़ें लिखी हुई थी इसमें। तो ये एडवेंट कैलेंडर टाइप का था और काफ़ी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पर भी थी। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लाइक पूरी टाइम रिमझिम सी लगी हुई थी। अच्छा, वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर फैशन स्ट्रीट चले गए थे। क्या बोलो, नहीं करेंगे ठीक है। तो बहुत थक चुके हैं, तो अब हम लोग एक रेस्टोरेंट मिल गया है हमें इंडिया ना, वहाँ खाने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से वो कैसा दिख रहा है। तो ये है इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम था रानी, और ये बिल्कुल फैशन स्ट्रीट में ही था, मतलब थोड़ा सा गली के अंदर जाके था, बिल्कुल अंदर नहीं था। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, काफ़ी ज़्यादा रश था और ये काफ़ी बड़ा था, लाइक इसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे, ऊपर साइड भी था शायद से, और बहुत बड़ा था। और काफ़ी सारे लाइक फॉरेनर्स भी यहाँ बैठ के खा रहे थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ट्रेडिशनल होटल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम जयपुर के किसी होटल में आ गए हैं। और सही था, मतलब सर्विस ऐसी थी कि सर्विस भी सही थी इनकी। खाना तो यहाँ महंगा होता ही है, आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो खाना आपको बहुत महंगा मिलेगा, बट ठीक था। तो फाइनली हम और अभ्युदय यहाँ पर हैं और हम लोग खा रहे हैं। ये क्या अच्छा, अब यहाँ पर दिखाती हूँ खाना। तो हमने ये जो खाना मंगाया था ना, देखकर आपको लग रहा है ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये प्लेट इतनी फ्लैट थी ना कि क्वांटिटी तो बहुत ही कम थी, मतलब लिटरली एक ट्रिक थी कि दिखाने की बहुत ज़्यादा, बट था बहुत कम। तो अब ऑस्ट्रिया में हम इस वाले अपार्टमेंट में रुके थे, जो कि मैं आपको भी टूर करा दूंगी, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लाइक हम अभी ऑस्ट्रिया से तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम कल ही आए हैं ऑस्ट्रिया, बट हम यहाँ से हट रहे हैं, मतलब हम अपना सारा सामान हटा लेंगे, हमने एक ही दिन के लिए से रेंट किया था। एंड आफ्टर दैट फिर हम एक हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स रहते हैं, तो हम उनके यहाँ जाके रुकेंगे एक दिन और हम कल निकलेंगे ऑस्ट्रिया से। तो मैं आपको टूर कराती हूँ कि यहाँ पर कैसा था। ये भी एयरबीएनबी के थ्रू ही है और किचन वगैरह इसमें भी सब कुछ था, तो हमने ब्रेकफास्ट यहीं कर लिया। लाइक मैंने मैगी खा ली है और ब्रेड खा लिया है, तो हम फुल हैं। लाइक आफ्टरनून में देखते हैं कि क्या खाते हैं। तो मैं आपको टूर कराती हूँ अभी अपार्टमेंट का। तो ये डोर की मेन एंट्रेंस थी, लाइक नीचे से जब हम अपने अपार्टमेंट में घुसते हैं, और वहीं पर हमें लॉकर में की मिल गई थी। लाइक यहाँ पर कोई हमें होस्ट नहीं मिला था, तो हमें की खुद से ही निकालनी थी लॉकर में पासवर्ड डाल के। अच्छा, ये हमारा बेडरूम है, तो इसकी विंडोज़ भी बड़ी बड़ी हैं, पूरा यूरोपियन स्टाइल का घर था, काफ़ी बड़ा बेडरूम था। और यहाँ से बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा व्यू था बाहर का, मतलब यहाँ की गलियाँ सड़कें दिख रही थी, और सड़कों में कोई नहीं। लाइक बुदापेस्ट में इतना रश था, लेकिन वियना में आपको इतने कम लोग नज़र आएंगे, मतलब जब हम वियना के अंदर एंटर करें ना, तो मतलब बेसिकली इस एरिया में सड़कों में बहुत लोग नहीं थे। हाँ, मेन स्क्वायर में और जहाँ घूमने जा रहे थे वहाँ तो लोग थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सड़कें इतनी सुनसान है, देख रहे हैं ना आप, जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है। बट ये सच बताऊँ तो ये टाइम ना 10, 10:30, 11 बजे का था, और सड़कें ऐसी ही सुनी होती हैं, मतलब जो प्लेसेस घूमने वाले होते हैं वहाँ रश होता है, बाकी पूरी जगह ना ऐसे ही रहता है, बिल्कुल शांत। और बस ये था हमारा रूम, आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस और अच्छा रूम था, और मुझे काफ़ी क्लीन भी था। और यहाँ पर एक ये शोपीस रखा हुआ था, ये शोपीस इतना प्यारा था। अच्छा, यहाँ पर हीटिंग के लिए शायद ये पहले यूज़ किया जाता होगा, तो यहाँ पर कोल वगैरह डाल के ना आप इसे मतलब हीट कर सकते हो अपने रूम को। तो ये बेसिकली फायर प्लेस टाइप का था, आई डोंट नो इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता होगा, लेकिन बड़ा प्यारा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा था। ये काफ़ी पुराना सा भी लग रहा था, और ये ना घर भी थोड़ा सा वैसे ही पुराने स्टाइल का था, लेकिन था काफ़ी बड़ा। तो ये बाहर वाला रूम था, इसमें एक सोफ़ा है, ये पूरा बेड बन जाता है, और इसके अलावा एक बेड भी था, ये डाइनिंग टेबल था, अभी उधर टीवी देखने में लगा हुआ है। और ये देखिए आगे किचन है, ये भी काफ़ी बड़ा है, और किचन में सभी कुछ था, लाइक वॉशिंग मशीन भी थी, ओवन भी था, माइक्रोवेव भी था, लेकिन यहाँ पर कुकिंग नहीं की थी हमने। ये पूरा हीटिंग सिस्टम है घर का, और घर बिल्कुल हीटेड था, मतलब घर बहुत गर्म था, अंदर तो बिल्कुल चादर ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो बस हमने सामान वगैरह लिया, फिर वहाँ से हम निकल गए। तो हम लोग निकल तो चुके हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना बाहर कि अभी तो कार में ही है, हम देखते हैं कैसे करेंगे। और ये अभी तो मेरे बगल में बैठा हुआ है, इसने ब्लैंकेट वगैरह सब पहना हुआ है, हालांकि अंदर बिल्कुल ठंडी गर्मी सी ही लग रही है, मतलब कार के अंदर, बट फिर भी मज़े के लिए इसने हम जो घर से ब्लैंकेट लेके आए थे ना वो उसने ओढ़ा हुआ है। और अवस्थी जी कार ड्राइव कर रहे हैं, और काफ़ी बारिश हो रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
काफी बारिश हो रही थी और हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, तो अभी हम लोग पार्किंग लोकेशन ढूंढ रहे हैं, हमें पार्किंग लोकेशन नहीं मिल रही है, तो हम पार्किंग लोकेशन सर्च कर रहे हैं और बारिश रुक चुकी है। अच्छी बात ये है, तो देखते हैं कब तक पार्किंग लोकेशन मिलती है। और पास में ही थी जो हमने देखी थी, पूरा शहर उसका एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं के लिए। आपको कार पार्क करनी होती है, इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप बड़े आराम से घूम सकते हो सब जगह। तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था बाहर का, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ले लेती हूँ, लाइक ये आउटर रीजन है, तो बहुत ही अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा था। और वैसे भी इतनी शांति रहती है कि मतलब कोई नज़र ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें पार्किंग अंदर कर रहे थे, और यहाँ पर कहीं पर भी आपको मैन पावर नज़र नहीं आएगी, लाइक कि आपको मशीन से पार्किंग टिकट्स मिल जाएंगी और आपका डोर ओपन हो जाएगा, आप अंदर चले जाओगे और फिर आप अपनी कार पार्क कर दो। अच्छा, यहाँ पर लगा हुआ ही मेट्रो स्टेशन था, तो बस मेट्रो में बैठ के हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बेलवेदरे पैलेस। तो ये पैलेस जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत ब्यूटीफुल था, और इसमें अपर पैलेस भी था और लोअर पैलेस भी था, दोनों के लिए डिफरेंट टिकट्स होती हैं, और बहुत बड़ा पैलेस है ये। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी बेलवेदरे पैलेस, और आई गेस मैं नाम से ही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हो कितना बड़ा क्यू लगा हुआ है। तो यहाँ पर अपर पैलेस है, लोअर पैलेस था, दोनों के लिए डिफरेंट टिकट्स थी, पूरा पैलेस विजिट करने के लिए, और काफ़ी ब्यूटीफुल था और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए अच्छा व्यू था, और बाहर बहुत ही प्यारा सा गार्डन था, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये अपर गार्डन था और यहाँ पर भी टिकट्स के लिए लाइन लगी हुई थी, और लाइन इतनी बड़ी थी ना कि आपको ना आधा दिन तो टिकट लेने में ही लग जाता। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और हाँ, ठंड भी थी उस दिन, काफ़ी विंडी हो रखा था। हमने फिर डिसाइड किया कि चलो हम पैलेस के अंदर नहीं जाएंगे, देखिए अपर पैलेस के लिए लाइन है, और अभी मेरे लोअर पैलेस वाली लाइन भी अभी आपको नज़र दिखाऊंगी एक बार। तो हमने डिसाइड किया कि इसका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, तो हम उस गार्डन को ही एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। तो हमने सोचा कि हम गार्डन में ही रहते हैं और उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ इसका गार्डन था और बाहर से भी बहुत ब्यूटीफुल था। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये लाइन है और ये बाहर तक लगी हुई है। तो इस लाइन को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि चलो छोड़ते हैं, स्किप करते हैं इसको, और हम बाहर बाहर से ही विज़िट कर लेते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब फिर हम अंदर से भी इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो वैसे यूरोप घूमने का मज़ा गर्मी में ही है, ठंड के टाइम में एक्चुअली हमारी वेकेशंस काफ़ी लंबी थी, तो हमने ये सोचा कि चलो विज़िट कर लेते हैं, अदरवाइज़ गर्मियों के टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, और गर्मियों के टाइम में तो हमें इंडिया जाना है, तो हमारे यहाँ आना होगा नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठंडियों में ही घूम लेते, लेकिन ठंडियों में ना आपको इतने बड़े बड़े जैकेट्स पहन के घूमने होते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड होती है, और आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा विंडी भी था यहाँ पर, तो ठंड के टाइम में बस आप फैशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जैकेट पहन लिया, कैप लगा लिया, इसके बाद फिर बस फैशन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। हालांकि करने वाले उसमें भी कर लेते हैं, बट अभी हम इंडिया से आए हैं ना, तो हमें अभी विंटर्स वाले फैशन इतने पता नहीं है, तो हम तो जैकेट पहनने के बाद हमें लगता है बस ख़त्म, जो भी पहना है पहना है, जैकेट तो एक ही है। जो कितनी जैकेट आप कैरी करोगे, मैंने तो दो जैकेट फिर भी कैरी की थी, और ये वाली जैकेट तो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, और अब तो पूरे मज़े में लगा हुआ है। तो जब विंडी हो जाता है ना, तो फिर मतलब ऐसा लगता है ना कि किस डायरेक्शन में खड़े हो कि हवा नहीं आए और अच्छी फ़ोटो आ जाए, और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, लाइक मेरे हस्बैंड बार बार बोल रहे थे कैप लगाओ कैप लगाओ, फिर से और यहाँ पर आप देख रहे हो कि गार्डन बहुत सुंदर है, लेकिन अब जो ना उसका मन कर रहा था कि वो अंदर जाए, मतलब लाइक कि वो ग्रास के ऊपर पैर रखे, बट अलाउड नहीं था, जगह जगह पे इंस्ट्रक्शंस थे, और व्यू बहुत अच्छा था, हम उसे मना करते जा रहे थे अब तक, प्लीज़ डोंट डू, प्लीज़ डोंट डू, अभी तक पड़ने वाली है मार। बहुत ज़्यादा विंडी हो रखा था, बहुत ठंडा हो रखा था, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कैसे ही फ़ोटो क्लिक कराओ कैप हटा के, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ के लोगों की आदत होती है, तो कई सारे लोग कैप नहीं लगाए थे, लेकिन ज़्यादातर लाइक 70-80% लोगों ने बढ़िया से कैप वगैरह लगा के रखी थी। तो बस यहाँ पर हमने गार्डन घूमा,
और बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक कि स्काई ब्लू कलर की, वाइट कलर की, क्लाउडी सा हो रखा था, और मतलब बहुत प्यारा व्यू था। तो हमने काफ़ी जॉय किया यहाँ पर। और फिर क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ पर जितने भी थोड़े बहुत प्लेसेस हैं ना, उनको विजिट कर लेते, लाइक हम डीपली नहीं गए। लेकिन अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि हम एक अम्यूज़मेंट पार्क गए थे, वो इतना ऑसम था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मज़ा ही आ गया लिटरली वहाँ पर, और हमने काफ़ी ज़्यादा उस मतलब अम्यूज़मेंट पार्क में इंजॉय किया। पहले तो मुझे लग रहा था कि अरे क्या ही जाना, लेकिन जब मैं वहाँ गई ना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अभिदा और अभिषेक ने बहुत सारी राइड्स ली थी, बट वो वीडियो भी अलग से मैं डालूंगी क्योंकि अदरवाइज ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई खड़े होकर, क्योंकि सब में कैप लगाना था, सब में वैसा ही दिख रहा था। तो फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ तो खैर क्लिक कराई यहाँ पर, मतलब क्लिक की, खुद से खुद की सेल्फ़ी ली और अभ्युदय के साथ सेल्फ़ी ली, उसके वीडियोज़ बनाए। क्योंकि ये मेमोरीज़ होती हैं जो फिर हम बाद में देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि अभ्युदय छोटा था, फिर तो थोड़े दिनों बाद बड़ा ही होना है उसको। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी छोटे की ना फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी तक मस्ती में लगा हुआ था, और उसका मन था ना जहाँ पर भी उसको वाटर पडल नज़र आ रहे थे तो वो चाह रहा था कि उसमें वो कूद जाए, बट हम उसे मना कर रहे थे क्योंकि वो पूरे शूज़ वगैरह गीले कर लेता है। और देखिए उसकी बदमाशी लगी हुई है, पडल्स के ऊपर से वो कूदते कूदते जा रहा है। और दोपहर तक का टाइम हो गया था यहीं पर हम लोगों को, और इसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब यहाँ से हम डायरेक्ट अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि सुबह से सिर्फ हमने वहाँ पर अपने घर में ना सिर्फ ब्रेड और जैम खाया था, और चाय बना के पी थी, और मैगी बना ली थी मैंने, तो वो खा ली थी। बट मैगी इन दैट सेंस कि वो नॉर नूडल थे, चीज़ी टाइप के, तो मतलब समझो कि क्या ही था वो। अच्छा, यहाँ पर वॉशरूम यूज़ करने के लिए आपको 50 सेंट्स देने पड़ते हैं, तो जब आप इस बॉक्स के अंदर वो पैसे डालते हो तो ये डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो ये डोर ओपन हो गया है और अब तक अंदर गया है, मैं भी अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पर हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं, वही सेम पैलेस के अंदर ही रेस्टोरेंट भी था, और कुछ था नहीं वहाँ पर हमारे लायक। तो मैंने अभी तक के लिए एक चॉकलेट केक टाइप का, जिसको ये कुछ डिफरेंट बोलते हैं, वो ऑर्डर किया था, और अपने लिए लेमन टार्ट ऑर्डर की थी। तो बस एक स्नैक्स टाइप का कुछ हो गया था, और इसके बाद फिर हम यहाँ से दूसरे प्लेस के लिए चले गए थे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी अम्यूज़मेंट पार्क, और ये वाला वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी, मतलब इसके बाद वाला वीडियो, ये वाला वीडियो आएगा, और ये बहुत अमेजिंग था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह दिखाऊँगी, और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लिटरली हमने बहुत इन्जॉय किया था। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।